नमस्कार, आज की एक्सेल 2013 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डीगेट फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है। डीगेट फंक्शन भी लुकअप के फंक्शन जैसा ही होता है, पर उससे थोड़ा डिफरेंट यूज होता है। देखिए इसका यूज क्या होता है। एक्चुअली डीगेट, देखिए पढ़े, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए डेटाबेस ए सिंगल रिकॉर्डेड मैच द कंडीशन जो स्पेसिफाई, ठीक है। जो भी ये क्या करेगा, एक डेटाबेस जो आपके पास होगा उससे जो भी कंडीशन आपने स्पेसिफाई की है उसमें से एक सिंगल रिकॉर्ड मैच करके आपको रिटर्न करेगा। तो देखिए इसको यूज करके देखते हैं कैसे करेगा। जैसे ये हमारे पास डेटाबेस है, ठीक है। इसमें पर्सन, ये पर्सन के नाम है, उनका अमाउंट है जनवरी महीने का, ये फेब्रुअरी महीने का, ये मार्च अप्रैल मई, ठीक है। अब मुझे इस क्राइटेरिया के अनुसार देखना है कि ऐसे पर्सन, मुझे चेक करना है कि पर्सन ए वन, एक पर्सन ए वन है उसका मई महीने में 50 वैल्यू है या नहीं। अगर हो तो रिटर्न करें, अगर नहीं हो तो एरर शो करें, ठीक है। इस तरह आपको चेक करना है, तो उसके लिए डीगेट फंक्शन का यूज किया जाएगा। जैसे चेक कीजिए, बराबर डीगेट, फिर एक कह रहा है डेटाबेस, तो डेटाबेस में आपको ये पूरा एरिया सिलेक्ट करना है। उसके बाद कह रहा है फील्ड, जैसे मुझे किस मंथ का चेक करना है, मई महीने का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मई महीना चेक कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ फील्ड के रूप में। फिर क्राइटेरिया बोल रहा है, तो क्राइटेरिया में मुझे क्या चाहिए कि जिस पर्सन का नाम ए वन हो उसका चेक करो कि मई महीने में उसका अमाउंट 50 है या नहीं। तो चेक कीजिए और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो जी हाँ, ये हमें रिटर्न कर रहा है कि मई महीने में ए वन पर्सन का 50 अमाउंट है। जैसे ऐसा अमाउंट लिखिए जो उसमें ना हो, जैसे 100 भी है, देखिए यहाँ पे, जैसे ये रहा देखो मई महीने में A1 पर है। कोई दूसरा अमाउंट लिखिए 200, ठीक है। तो मई महीने में A1 का 200 अमाउंट नहीं है, चेक कीजिए A1, फिर A1, फिर A1, सॉरी, ठीक है। इस तरह आप डीगेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कोई समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं वीडियो के नीचे।